सर एक तो हमारे राज्य में मौजूदा एक समस्या है सर, वो डीबीसी का। डीबीसी इस राज्य में सिर्फ एसटी कंज्यूमर को ही पावर देती है, ना कि हमारे रूरल कंज्यूमर को देती है। और आज जो इस तरीके की स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, इससे पहले भी उन्होंने एक बड़ी मतलब एक पता नहीं क्या उनके समझ में आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पिछले बार भी इन लोगों ने दो तीन दिन बिजली ब्लैकआउट कर दिया था इन 7 दिनों में, और अभी फिर वो स्थिति आ गई है। और हम आज जो बात कर रहे थे डीबीसी से और अधिकारियों से, फिर हम आपसे टेलीफोन से चर्चा कर लेंगे। सर वो आज ही बंद करने वाले हैं बिजली, ये थोड़ा हम आपसे चर्चा कर लेंगे। पहले डीबीसी के पदाधिकारियों से जाया करके हम आज ही चर्चा कर लेंगे आप। और हमने अपनी आपत्ति पत्र भी पहले ही कुछ कमजोर पिछड़े राज्य हैं और केंद्र शासित केंद्र से अलग राज्य हैं उनको थोड़ा परेशानी झेलनी पड़े, तो ये उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये सब पार्लियामेंट ले जाने से पहले हम विभिन्न राज्य जा करके 1-to-1 डिस्कशन भी करेंगे। सर बहुत अजीब सी स्थिति, अब डीबीसी को देखिए 2014 में सर ये जीरो था, वहाँ जीरो बकाया था। और विगत साल में जो भी चीजें हुई मैं पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें अपने राज्य के अंदर सर बिजली पानी हमारा ये यूज करते हैं, कोयला हमारा यूज करते हैं, जमीन हमारी यूज करते हैं, और धमकी ऐसे देते हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं। अरे हेमंत जी उसको हर महीना पेमेंट करना पड़ता है, तो भुगतान करिएगा ना बिजली का। सर ये बताया है सर, पूर्व की सरकार का बताया है, हमारे रीजन का सरकार का कोई बताया नहीं है। मैं ये मैं इस पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इनको भी कहा जाए कि थोड़ा सा संयमता के साथ सरकार के साथ वार्ता में रहें। हम लोग कैसा नहीं कि इनकी चीज़ों को लेके हम भागने चाहते या हमारी कोई दिया है सर, हमने तो कहा है कि मार्ग तक हमने दिया है, तो पता ही आर्थिक स्थिति क्या है देश की और राज्य। अरे हेमंत हम बात कर लेंगे ना, काहे के आते हो सर, हम बात कर लेंगे। अच्छा बोल सर।